So welcome, good morning once again. I am ready for our next segment, pronoun part 2. In this segment, we will learn about the kinds. Okay, some students have requested me to explain in bilingual Hindi and English both. So I will try my level best. So let us see. Before that, here is my channel, Education Express by Sanjeev Mishra. You everyone will have to subscribe and like it, then you will get the notification of new videos. Now let us start. I have written it earlier. इसको पहले से मैं लिख के ready रखा हूँ कि आपके kinds क्या-क्या हैं. देखिए, मैंने इसको chart बनाया हुआ है. आप इस chart को बना सकते हैं समझ में आने के लिए. आप इसको further future use में आप लिख सकते हैं. आपको याद हो जाएगा. Pronoun के kinds की बात करें. अभी हमने पढ़ा था क्या? What is pronoun? Pronoun means a word which is used in place of noun. That's all. Now let us start with the kinds. Kinds of pronoun means first person pronoun. Person pronoun means the pronoun which denote person. एक ऐसा pronoun जो person को denote करता है. इसमें कौन कौन से words आएंगे, keywords कौन कौन से हैं? I, we, you, they, he, she, it. पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस सेगमेंट को मैंने आपको डिटेल दिया हुआ था कि तीन कि जैसे नाउन आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं, वैसे ही आपके प्रोनाउन भी जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं. हियर इज एग्जांपल एंड सब्जेक्टिव. ही इज वर्किंग हार्ड. ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव हो गया. और राम हेल्प्स मी, मी क्या हो गया आपका? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया. ठीक है, सेकंड है पोसेसिव. पोसेसिव में क्या? पोजीशन व्हिच यू हैव राइट, व्हिच इज योर ओन, मींस पोसेसिव प्रोनाउन. वर्ड्स कौन-कौन से होंगे? Mine, ours, yours, theirs, his, hers. यहाँ दो वर्ड आप बहुत ध्यान से देखना, तीन ये वर्ड को एस ये, इसी से एग्जाम में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर जो होता है ना क्वेश्चन कर देता है. ठीक है, एग्जाम्पल दिस टेबल इज माइन. आप देख सकते हो दिस कार इज माइन, दिस मार्कर इज माइन. आप इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हो. इसको ध्यान ये रखना होगा कि इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है. क्लियर, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है. थर्ड वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव. इसमें वर्ड्स को आप देखोगे, इसमें रिफ्लेक्सिव और इंपैथिक में तो सेम कीवर्ड है. लास्ट में क्या होता है? सेल्फ जुड़ा होता है. लास्ट में क्या जुड़ा हुआ आपका? सेल्फ. एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कहां पर रिफ्लेक्सिव और कहां पे इंपैथिक है. रिफ्लेक्सिव और इंपैथिक कहां-कहां पे है. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जब मैंने काम किया और उस काम का रिजल्ट मुझे ही मिले. मैंने काम किया, ये मार्कर को ऊपर फेंका, ये मार्कर मुझे ही लगता है चोट, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है. और एम्पैथिक का होता है जब कोई काम की इंपॉर्टेंस, जब सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है, तो आपका क्या होता है? एम्पैथिक प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर लिया. सेल्फ ही हिमसेल्फ डिड, उसने खुद से काम किया. दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, दोनों का अंतर आपको समझ में आएगा. डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव मतलब होता है दिखाना, इंडिकेट करना, जिसमें कौन वर्ड्स आएंगे? दिस, दैट, दिस, दोस. इनका देख लो, दीज आर माई टॉयज. आप तुम इसको फटाफट देख लेते हैं. इसको मैं आपको एक बताता हूं इसका यूजेस कैसे कर सकते हैं. सिंगुलर, प्लूरल, नियर एंड फार. ऐसे टेबल बना लोगे ना तो आपके लिए जो है ना याद करना बड़ा आसान हो जाएगा. अब देखो, नियर के लिए सिंगुलर आपका होता है दिस, ठीक है ना, और फार के लिए यूज करते हैं लोग दैट. दोनों ही आपके सिंगुलर होते हैं. ठीक है, प्लूरल का क्या हो जाएगा आपका? दीज एंड दोस. अब देखो, इसमें कोई भी आपसे यूज पूछे कि दोस का यूज कहाँ होता है, आप कर सकते हो कैसे? दोस का यूज कैसे पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बता सकते हो? दोस यहाँ पे है, यानी कि दोस क्या हो गया? प्लूरल हो गया. यूज कहाँ होगा? फार माने दूर के लिए होगा. ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लो, दीज आर माई टॉयज. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बांटने का काम करता है. ठीक है ना, कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऐसे की वर्ड्स होने ईच, एवरीवन, आइदर और नेदर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. ईच ऑफ द बॉयज इज, आप देख सकते हो ईच ऑफ आपका आया हुआ, इसके क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन. Indefinite pronoun which is not sure, not certain. कौन से वर्ड आएंगे? One, some, none, all, nobody and etc. ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? One should keep one's promise. एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा प्रोनाउन होता है वैसा ही आपका क्या होगा? प्रोनाउन
प्रोनाउन यूज, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, हम लोग सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, इंट्रोगेटिव मींस व्हाट? क्वेश्चन आस्क करने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स। अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो बहुत होते हैं, हु, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये बहुत सारे इंट्रोगेटिव सबसे आप प्रश्न पूछते हो, लेकिन ये प्रोनाउन हमें पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो किसी सब्जेक्ट का भी काम कर ले। कौन कौन से वर्ड होंगे आपके? हु, whom, what, which, whom, these words are interrogative pronoun. इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर हो गया? For example, who is this? Whose is this cow? Who did this? ये सब आपके examples हैं। आपको जितना मैंने आपको ये बताया ना, आप जितने भी words हैं ना, आप इसका examples कर सकते हो, examples बना सकते हो, ये आपको याद हो जाएगा। जब तक आप इस word से related 2-3-4 example नहीं करोगे, फिर ये पढ़ने का मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे आप। ठीक है? फिर आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। आप देखो रिलेटिव क्या होता है, जो दो सेंटेंस के बीच रिलेशन होता है, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आपका दूसरा दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दोनों को जोड़ के का जोड़ने का काम करें, तो एक दूसरे रिलेशन बताया ना, वो आपको होता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से वर्ड होते हैं? दैट, हु, हुम, विच, हूज, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। आप देखो दिस इज द बॉय हुम ऑल एडमायर, यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? हुम। ठीक है? Reciprocal pronoun, each other or one another. Reciprocal pronoun में दो होते हैं, each other है, one another. कौन कौन से हो गया? देखो यहाँ पे each other का use कहाँ करते हैं? देखो यहीं पे each other का use करते हैं जब बात दो person के बीच हो, और one another use करते हैं जब बात more than two, जब दो से अधिक की बात होगी ना, तो वहाँ पे हम लोग one another का use करेंगे। यहाँ पे राम एंड सीता love each other, यहाँ पे राम क्या है, राम सीता क्या है, दो है, each other का use किया। एग्जाम में क्या करता है ना, यहीं पे आपका वन अनदर दे देता है। बहुत ध्यान से देखना होगा, जितने भी वर्ड्स आपने देख रहे हैं ना, इसका यूजेस आपको देखना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही फंसाता है, एग्जाम में चाहे कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो। तो ये आपके सारे काइंड्स हो गए, आपको एक बार इसको पढ़ना है, ये वर्ड्स हो गए, इससे रिलेटेड आपको दूसरे सेंटेंस एग्जाम्पल्स बनाने हैं, ये सारा आपको करना है। अब एक आपका होमवर्क, आपको होमवर्क देते हैं, वो आपको करना है, मुझे फिर उसको आपको भेजना है। ठीक है ना? आप उसको एक सेंटेंस है ऑल इज वेल, दूसरा सेंटेंस है ऑल आर वेल, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। दो सेंटेंस है ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि दोनों सेंटेंस में से सिचुएशन क्या है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में आपको मुझे भेजना है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। All is well सही है या all are well सही है या दोनों सही है, ये आपको ये पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में हम लोग कुछ और रूल्स लेके आएंगे, देखेंगे हम लोग, तब तक हम लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए। ठीक है? टिल देन थैंक यू, बाय बाय।